shift in production possibility frontier and we will explain this in the detail with the help of a graph. As we have already explained that the production possibility module that can shift, it can shift either inward either it can shift outward. And here if we have to explain that how it shifts to the outward or the inward. So we can explain through the form of the graph. And in the graph, this is our basic level of production possibility frontier. And once it moves to the right side, and this movement to the right side will be the outward shifting. And this outward shifting is possible through the increase in the resources of production. These resources of production, when we say these, are not evident in this graph. तो अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो हमारे पास जो पैदावार है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास पैदावार हो और वह पैदावार ज़राए कहाँ पर होते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो वी विल एक्सप्लेन कि अगर हम एक आइसो को एक्सप्लेन करें जिसमें हम कहें कि यही गुड एक्स और गुड वाई प्रोड्यूस हो रही है हम इस गुड एक्स को अगर इंडस्ट्री की शक्ल में कहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर रोबोट्स हैं और वाई में अगर हम कहें कि इंडस्ट्री वाले कार्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हम एग्रीकल्चर की एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि वो उन्हीं रिसोर्स में यहाँ पे अगर मेज़ है और यहाँ पे उन्हीं रिसोर्स में वीट पैदा हो सकती है और इन दोनों चीज़ों को देखते अगर हम कहें तो वेन वी से द टू गुड्स तो हमने दो गुड्स की एग्ज़ाम्पल ली अब इसके लिए प्रोडक्शन के सेक्टर्स में अगर हम जाएंगे तो हमने सिर्फ वहाँ पे भी टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर कैपिटल है इस अवेलेबल लेबर और अवेलेबल कैपिटल जो इकॉनमी में मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को ड्रा करते हैं और ये कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन या इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन का जो आइसो क्वांट है ये आइसो क्वांट अगर हमें वेरियस कम्बिनेशन शो करता है अब ये वेरियस कम्बिनेशन डेफिनेटली दो आउटपुट्स के शो करता है दैट कैन बी रोबोट्स एंड द कार्स का ये पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी अब अगर फर्म ए इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है तो इस शक्ल में होगा और इसी तरीके से सिमिलरली अगर फर्म बी भी काम कर रही है तो उसका हम आइसोक्वांट ड्रा करते हैं तो अब आप देखें तो उसकी भी इसी शक्ल को हम ड्रा कर सकते हैं अब इसमें अगर हम देखें तो मैंने आइसोक्वांट का एक हायर लेवल ड्रा किया है ये आइसोक्वांट का लेवल का मतलब है ये वो पॉइंट्स हैं आइसोक्वांट के जो फर्म प्रोड्यूस कर सकती है विद अवेलेबल रिसोर्सेज और उसमें उसका इक्ब्रियम लेवल कौन सा होगा वो होगा जहाँ पे उसकी बजट लाइन क्रॉस करती है तो एक्चुअली दिस बजट लाइन दैट गिव्स द लेवल ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज जिसको हम अगर कहें तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट दैट इज इक्वल टू द वेज इन टू लेबर प्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस तो ये जो बजट लाइन है it gives us the total limit of the production possibility frontier so when available cost your available budget your resources of the economy it will increase from this level to this further level and again to this further level and can be to this further level so we can say that our output it will increase from this production possibility frontier to this और उसी तरीके से अगर हम higher level से backward पर आते जाएंगे जिसमें हम देखते हैं कि हमारे level of production decrease हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी amount of labor जो इस point पर available थी उसकी बजाय वो इस point पर आ गई और उससे तो उस तरीके से जो shifting होगी that will be through the इनवर्ड शिफ्टिंग और अब इन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये देखते हैं कि इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अगर हम एजवर्थ की बॉक्स की शक्ल की मदद से दिखाएं जिसमें एक कंज्यूमर ए इस साइड पे होगा कंज्यूमर बी इस साइड पे है और इन दोनों के आइसोकवाट्स एक दूसरे को फेसिंग इस तरीके से मूव कर रहे हैं जितनी अवेलेबल लेबर है वो हमारी सारी की सारी एक्सिस पे है और जितनी अवेलेबल हमारे पास मौजूद कैपिटल है वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है इस लेबर के दो हिस्से हो गए उसमें से ज़ीरो से ले कर यहाँ तक की जो लेबर है वो ए की प्रोडक्शन ने इस्तेमाल कर ली और जो उसके बाद वाली है वो फॉर्म बी इस्तेमाल कर रही है उसी तरीके से अगर हम कैपिटल की बात करेंगे और उसके हम हिस्से करेंगे तो हम कहेंगे कि यहां से कैपिटल की ये वाली अमाउंट जो है वो चूंकि इस साइड पे आ रही है तो फर्म बी इस्तेमाल कर रही है और यहाँ तक जो है वो फर्म ए इस्तेमाल कर रही है एंड आइसोक्वांट्स ऑफ दीज टू फर्म्स वेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड बिहाइंड दैट देयर बजट लाइन इट ऑल्सो इंटरसेक्ट दिस विल गिव दैट पॉइंट दैट विल बी द एफिशेंट पॉइंट और वी कैन से एकब्रियम पॉइंट लेकिन ये ग्लोबल एफिशियट नहीं होगा सो so, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं जो हम अगर कहें तो ये इकलीब्रियम ज़रूर देते हैं लेकिन ये इनएफिशेंट पॉइंट होंगे और मैक्मम एफिशियंट पॉइंट जो है ये वो होगा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के के ऊपर मौजूद होगा और ये ग्लोबली एफिशिएंट भी होगा और ये उसके एक्ब्रियम को भी शो कर रहा होगा तो व्हेन द रिसोर्सेज और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे विल एनहांस टो द टोटल पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इट विल शिफ्ट फ्रॉम दिस सो नाउ वी विल हैव अक्स्ट एज वर्थ लाइक दिस एंड आवर पॉसिबिलिटी विल लीड टू दिस सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स Through which we can explain the inward shifting of the production possibility frontier or the outward shifting of the production possibility frontier.